जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पीएच है और ओएच माइनस आयन होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। आपको ध्यान होगा जो हमने पीएच कॉन्सेप्ट का पार्ट वन वाला यानी जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें पीएच के कॉन्सेप्ट की हमने डिटेल में बात की थी। उस वीडियो में हमने पीएच और हाइड्रोजन आयन यानी एच प्लस आयन के बीच के संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया था। उसी वीडियो में हमने ये जाना था कि जो पीएच की गणना की जाती है, पीएच का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें लॉगरिथम का उपयोग क्यों होता है, उसे माइनस में क्यों लिया जाता है, लॉगरिथम का जो बेस होता है उसको 10 क्यों लिया जाता है। इन सभी बातों को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दूंगा जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पीएच होता है और ओएच माइनस आयन जो होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। ओएच माइनस आयन को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, और आपने पढ़ा होगा इसे हाइड्रोक्साइड आयन भी कहा जाता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच और ओएच माइनस आयन के बीच के संबंध की। साथ ही हम बात करेंगे कि जो पीएच 7 होता है उसे न्यूट्रल पीएच अर्थात उदासीन पीएच मान क्यों माना जाता है। आपको ध्यान होगा जब हमने पिछला वीडियो कवर किया था तब हमने हाइड्रोजन आयन की ये सांद्रता जो मैंने आपकी सुविधा के लिए अभी लिख भी रखी है, इनके और इन पीएच वैल्यूज इन पीएच मानों के बीच के संबंध को पढ़ा था। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने उस वीडियो में समझा था कि 7 से कम जो पीएच वैल्यूज होती हैं, 7 से कम जो पीएच मान होते हैं उन्हें हम एसिडिक पीएच या अम्ली पीएच कहते हैं, 7 को कहते हैं न्यूट्रल या उदासीन पीएच, और 7 से ज़्यादा जो पीएच मान या पीएच वैल्यूज होती हैं ऐसे विलयनों को कहा जाता है क्षारीय विलयन अर्थात एल्केलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। साथ ही हमने बात की थी कि यदि किसी की पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 xyz कुछ भी है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो सांद्रता है वो कितनी होगी। उदाहरण के लिए हमने देखा भी था कि यदि किसी का पीएच वैल्यू पीएच मान 0 है तो उस विलयन या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो होगी 1 mole per liter, और लगातार ये जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता है वो घटती जाती है जब हम 14 पीएच मान पर आ जाते हैं। यानी जब हम पीएच स्केल या पीएच पैमाने पर बाईं ओर से दाईं तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार घटती जाती है। जहां 0 या 0 पीएच पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 mole per liter होती है, वहीं 14 पीएच वैल्यू या 14 पीएच मान वाले विलयन या सॉल्यूशन का के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो बहुत कम होती है, 0 के बाद 1 mole per liter, यानी इसे हम 0 के बराबर मान सकते हैं। इतने कम हाइड्रोजन आयन जो है वो होते हैं जब हम किसी ऐसे सॉल्यूशन या विलयन की बात कर रहे हैं जिसका पीएच मान या पीएच वैल्यू 14 होती है। तो हाइड्रोजन आयन और पीएच वैल्यूज या पीएच मान के बीच का संबंध हमने पिछली बार पढ़ लिया था जिसे हमने यहाँ रिवाइज भी कर लिया। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे ओएच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का, ओएच माइनस आयन की सांद्रता का। तो हम इसी पीएच स्केल पर, इसी पीएच पैमाने पर जहाँ हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता लिख रखी है उसी के साथ हम जो OH माइनस आयन होंगे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता होगी उसे लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हम दोनों जो आयन्स हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन के दृष्टिकोण से पीएच पैमाने को या पीएच स्केल को समझने का प्रयास करेंगे। पीएच स्केल या पीएच पैमाने पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन होती है अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता जो होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है। अर्थात जहाँ अगर हम इस पीएच की बात कर रहे हैं 0 पीएच की तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहीं ओएच माइनस आयन की जो सांद्रता होगी वो बहुत कम होती है। इसके ठीक विपरीत जो 14 पीएच मान होता है 14 पीएच जो वैल्यू है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो तो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है, लेकिन जो ओएच माइनस आयन होते हैं उनकी जो सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 1 mole per liter। अगर आप इस पे नज़र डालेंगे इस पीएच स्केल पर तो आप पाएंगे कि जब हम बात करते हैं 0 पीएच मान की तब
OH माइनस आयन जो है वो बहुत कम है और H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता है वो है 1 मोल प्रति लीटर अर्थात 1 मोल पर लीटर। वहीं इसके ठीक विपरीत जब हम 14 pH मान की बात कर रहे हैं वहां पर OH माइनस आयन जो है वो कितने हैं 1 मोल पर लीटर। इसका तात्पर्य हुआ कि 14 pH वैल्यू वाला जो विलयन या सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन तो बहुत कम होंगे लेकिन OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होंगे। तो जिस तरह से हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशंस को सांद्रताओं को इस स्केल पर लिखा है अब हम प्रयास करेंगे कि OH माइनस आयन की सांद्रताओं को भी हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन आयन 1 से 14 पर जाने पर घट रहे हैं उसी तरह से OH माइनस आयन है वो 14 से 0 की तरफ जाने पर घटते हुए जाएंगे और इनके घटने का जो क्रम है वो ठीक वैसा ही होगा जैसा कि H प्लस आयन का था अर्थात हर pH मान के बाद OH माइनस के जो आयन होते हैं उनकी जो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो लगातार 10 गुना घटती जाएगी ठीक वैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता 10 गुना घट रही थी जब हम 0 से 14 की तरफ जा रहे थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 14 pH मान वाले किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है 1 मोल पर लीटर तो 13 pH वैल्यू वाले किसी सॉल्यूशन या विलयन में जो OH माइनस आयन है वो कितने होंगे 0.1 मोल पर लीटर। आप देख सकते हैं 1 के बाद हमने 0.1 की बात की थी घटते हुए जब हमने किसकी बात की थी H प्लस आयन की ठीक वैसा ही यहां होगा 1 मोल पर लीटर 10 गुना घटने पर 0.1 मोल प्रति लीटर 0.1 मोल पर लीटर होगा OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता जब हम बात कर रहे हैं 13 pH वैल्यू वाले किसी सॉल्यूशन 12 वाले में 0.01 मोल पर लीटर 11 वाले में 0.001 मोल पर लीटर। इस तरह से ये OH आयन जो है वो लगातार घटते हुए जाएंगे। समय ज़्यादा ना लगे तो मैं आपको ये सारे ही pH वैल्यू पर जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता होती है उसे लिखकर बता देता हूँ और सुविधा के लिए इन सभी OH आयन की सांद्रताओं को मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। इस तरह से अब हमने इस pH स्केल पर ग्रीन कलर के पेन से OH माइनस आयन की जो सांद्रता है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन से उनको लिख दिया है और आप देख रहे होंगे जिस तरह से 0 से 14 की तरफ जाने पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं जिसे हमने यहाँ ब्लू और ब्लैक पेन से लिख रखा है वो लगातार घटती जा रही है। ठीक उसी तरीके से यदि हम बात करें तो OH माइनस आयन की जो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है वो 14 से 0 की तरफ जाने पर लगातार जो है वो घटती जा रही है जिसे हमने ग्रीन पेन से लिख रखा है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये संख्या भले ही बड़ी है लेकिन ये दशमलव के बाद में है पॉइंट के बाद में इसलिए संख्या या वैल्यू जो है बहुत छोटी है जबकि 1 जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो 7 pH मान से कम वाले जितने भी सॉल्यूशंस या विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। वहीं 7 से अधिक pH मान वाले जो सॉल्यूशंस या विलयन होते हैं यदि हम उनमें H प्लस आयन की बात करें तो उनकी जो सांद्रता होती है वो OH माइनस की तुलना में कम होती है लेकिन यदि आप 7 pH पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो H प्लस आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन जिसे हमने ब्लैक में लिख रखा है वो कितनी है 0.000001 मोल पर लीटर। वहीं पर जो OH माइनस आयन की सांद्रता है जिसे हमने लिखा है ग्रीन पेन से यदि आप उस पर नज़र डालेंगे तो वहाँ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.000001 मोल पर लीटर। यानी जितने H प्लस आयन हैं उतने ही यहाँ पर OH माइनस आयन है और हम किस pH मान की बात कर रहे हैं 7। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऐसा सॉल्यूशन या विलयन है जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बराबर होती है तो ऐसे सॉल्यूशन या विलयन जो है वो pH 7 वाले होते हैं और उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल या उदासीन pH वाले विलयन या सॉल्यूशन। न्यूट्रल और उदासीन क्यों कहा क्योंकि ऐसे सभी विलयन जिनमें इन दोनों ही आयन्स की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है वे ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं अर्थात उनकी जो प्रकृति वो अम्ली नहीं होती है और ना ही उनकी प्रकृति क्षारी अर्थात बेसिक होती है। हमने क्या कहा कि अम्ली या एसिडिक कौन होंगे जिनमें H प्लस आयन ज़्यादा हो OH माइनस आयन कम हो। वहीं पर इसके विपरीत जो बेसिक या क्षारी हैं वो कौन होंगे जिनमें OH माइनस आयन ज़्यादा हो लेकिन H प्लस आयन कम हो
लेकिन यदि दोनों बराबर होंगे तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, उदासीन या न्यूट्रल, विलयन या सोल्यूशन वाली। और ऐसा कब होता है, जब पीएच मान या पीएच वैल्यू होती है 7। तो ऐसे सोल्यूशन या विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है उनमें एच प्लस और ओएच माइनस आयन की सांद्रता बराबर होती है, और इसी कारण से ना वे अम्लीय और ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। इसीलिए ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है न्यूट्रल सोल्यूशंस, ऐसे विलयनों को कहा जाता है उदासीन विलयन। और न्यूट्रल जो सोल्यूशंस होते हैं या उदासीन विलयन होते हैं उनका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है H2O अर्थात जल, और वो भी कौन सा, शुद्ध जल अर्थात प्योर वाटर। तो प्योर वाटर या शुद्ध जल का जो पीएच है वो होता है 7, अर्थात शुद्ध जल या प्योर वाटर जो है वो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन या उदासीन विलयन। इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में OH- आयन का नाम लेकर जो पीएच का कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने का प्रयास किया है। तो दोनों वीडियोस में मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, एच प्लस और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन समझ में आ गया होगा, साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि जो 7 पीएच होता है उसे हम न्यूट्रल पीएच या उदासीन पीएच क्यों मानते हैं। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।